एसयूआई अध्यक्ष आशीष साहू के नेतृत्व में आज छिंदवाड़ा जिले के सभी कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया में हो रही धांधली का विरोध करते हुए स्थानीय शासकीय राजमाता सिंधिया गर्ल्स कॉलेज में पहुंचकर धरना दिया गया और नायब तहसीलदार के माध्यम से उच्च शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर इस प्रवेश प्रक्रिया में हो रही धांधली का आरोप लगाते हुए इसके निष्पक्ष जाँच की मांग की। और जिले के समस्त महाविद्यालयों के सभी संकाय में 25% अतिरिक्त सीट की बढ़ाने की मांग की, जिससे कि अधिक से अधिक छात्रों को प्रवेश मिल सके। जिला NSUI ने चेतावनी दी है कि यदि इन समस्याओं का निराकरण नहीं किया जाता है तो जिला NSUI द्वारा संपूर्ण जिले में धरना आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। इस अवसर पर NSUI के अध्यक्ष आशीष साहू, प्रणीत अल्डक, बीजू दाई, सुमित दुबे, अंकित सिकंदरपुरी, अभी ताम्रकार, पुष्पराज पटेल, NSUI के कार्यकर्ता एवं छात्र उपस्थित थे। आज जिला NSUI के नेतृत्व में NSUI छात्र संगठन के लोग और मेरे छात्र लोग आज धरना प्रदर्शन किए गर्ल्स कॉलेज में। इसमें हमने मांग किए हैं कि जिले के सभी कॉलेजों में 25% सीट बढ़ाई जाए और प्रशासन की तरफ से जो धंधलाई चल रही है सीटों को लेकर, जिसमें कम परसेंट वालों को एडमिशन कॉलेज दे रहा है और ज़्यादा परसेंट वाले को एडमिशन नहीं दे रहा है, इसकी निष्पक्ष जांच करवाने के लिए आज जिला NSUI गर्ल्स कॉलेज के सामने धरने पर बैठी थी। अगर ये 25% सीट नहीं बढ़ाते हैं तो जिले भर में NSUI उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। BCN न्यूज़ के लिए छिंदवाड़ा से चंद्रशेखर शुक्रवार की रिपोर्ट।